अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगा ज़मानी और इस वक्त मैं स्कर्दू बल्तिस्तान में हूँ और आपको पीछे बैकग्राउंड में लोगो नज़र आ रहा है। ये लोगो अनवारुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट का है और ये उसका हॉस्टल है। ये हॉस्टल लड़कियों का है, यहाँ पर 5 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियाँ हैं और इसकी खासियत ये है कि यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं वो यतीम हैं और बाज़ लड़कियों की जो है वो वालदा भी जिंदा नहीं, लेकिन ये इदारा उनकी सरपरस्ती करता है। इस इदारा में तकरीबन 150 से 160 के करीब बच्चियाँ इस वक्त यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं। यहाँ बेहतरीन तालीम का, ताम का, इनकी तरबियत का इंतज़ाम है। यहाँ से बच्चियाँ वैन के ज़रिए स्कूल जाती हैं, फिर उन्हें वैन लेने जाती है। और इसके बराबर में एक और इदारा है, बराबर में कोई वहाँ 25 से 30 बच्चियाँ हैं, उस इदारे का नाम सोहरा है, वो भी अनवारुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी वो इदारा चल रहा है। वहाँ जो 25-30 लड़कियाँ हैं वो सुनने की और बोलने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन माशाल्लाह बहुत बासलाहियत हैं। उनकी भी तरबियत का, तालीम का यहाँ पे इंतज़ाम है और उनके लिए जो है वो यहाँ आर्ट का और सिलाई कढ़ाई की तरबियत का भी यहाँ सिलसिला है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इदारा है। आप सोचें कि यतीम बच्चियों को पालना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इदारा इन बेसहारा बच्चियों को जिनके ऊपर बाप का साया नहीं है, उन्हें इसका एहसास नहीं होने देता और उनकी बेहतरीन अंदाज में ये लोग यहाँ परवरिश कर रहे हैं। ये इदारा है स्कर्दो बल्तिस्तान में, आए आपको ये इदारा और ये बिल्डिंग दिखाते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अनवारुल हुदा फाउंडेशन के तहत 2 कैटेगरीज यहाँ पर हैं। इनके तहत एक कैटेगरी में तकरीबन 150 से 160 लड़कियाँ हैं जो यतीम लड़कियाँ हैं जिनकी वालिद ज़िंदा नहीं है, और अक्सर तो ऐसे हैं जिनकी जो है वालदा भी ज़िंदा नहीं है, तो एक तादाद तो ये है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो सुगरा होम्स की है, जहाँ पर गूंगी बहरी लड़कियाँ हैं, यानी सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम बच्चियाँ हैं। उनके लिए शर्त नहीं है कि वो यतीम हों, बस मुस्तहक हों। और इस इदारे की, अनवारुल हुदा फाउंडेशन की, एक और खसूसियत है कि वो बल्तिस्तान में मसालिक की तफरीक से बालतर होकर ये खिदमत इंसानियत के तहत बच्चियों के लिए, उनके शेल्टर के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके ताम के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए ये इदारा इस वक्त फ़ाल है। देखिए नाज़रीन, ये है अनवारुल हुदा वेलफेयर ट्रस्ट, ये इसकी सड़क है। आप अगर मेन बाज़ार से भी आएंगे या गंबा से आएंगे तो लेफ़्ट टर्न लेंगे, और अगर रेडियो पाकिस्तान से इस तरफ आएंगे गंबा की तरफ, और बस अड्डा आने से पहले ही सीधे हाथ पे अंदर आते हैं, ये रोड इस तरफ आता है। तो ये है अनवारुल हुदा वेलफेयर ट्रस्ट फाउंडेशन का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। देखें नाज़रीन, ये बच्चियों के लिए इन्होंने कबर्ड बनवाए हैं। ये देखें नीचे भी, यहाँ इनका लॉकर है, कोई चीज़ सेव करनी हो, ये एक बच्ची का, ये दूसरी बच्ची का, ठीक है, यहाँ अपने कपड़े रख सकते हैं, यहाँ अपना बैग यहाँ रखते हैं। तो एक कमरे में 8 बच्चियाँ आती हैं, इसमें 8 लॉकर हैं, 8 अलमारियाँ, देखें माशाल्लाह। इस वक्त हम हैं जी अनवारुल हुदा स्कर्दू में, गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ तमाम यतीम बच्चियाँ यहाँ पर तालीम और तरबियत हासिल करती हैं। ये रूम खाली है, असल में हमने इसलिए इसकी वीडियो बनाई है। ये डबल ऊपर नीचे का इन्होंने इनके लिए बेड का इंतज़ाम किया हुआ है। ये कंप्यूटर लैब है, देखें माशाल्लाह, यहाँ पे यतीम बच्चियाँ यहाँ तालीम और तरबियत पाती हैं। ये है अनवारुल हुदा स्कर्दू गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ तकरीबन 5 साल से लेकर 13-14 साल तक की बच्चियाँ यहाँ हैं, और यहाँ पे इस वक्त 150 की करीब तालिबात हैं।
सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज इतवार का दिन है, संडे का, तो इस दिन बच्चियों के लिए खुसूसी एक टाइम दिया जाता है। वो इस हॉल में आती हैं और यहाँ बैठकर अपने पसंद की इस्लामी कोई मूवी या कार्टून लगा के यहाँ पर एंजॉय करती हैं। देखें, ये बच्चियाँ, ये सब बच्चियाँ यतीम हैं और यहाँ इस वक्त ये इनके कार्टून और इस्लामी मूवी का वक्त हुआ है। ये देखें, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अनवार उल हुदा ट्रस्ट, जिसे मॉरिशस भी कहते हैं ना, माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, ये यही एक बच्ची ने बनाया जो बोलने से और सुनने से महरूम है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने इसके हाथ में कितनी सलाहियत दी है, कितना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है। ये जगह देखिए, इसमें किस तरह, ये देखें, ये ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट से बनाया है, माशाल्लाह बेहतरीन। ये देखें नाज़रीन, ये सेक्शन जो है इसको सुगरा सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 लड़कियाँ हैं जो घूंगी बह रही हैं, उन्हें यहाँ सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं। उसका एक ये सेंटर है, देखें ये बच्चियों के नाम यहाँ लिखे हैं, देखें ये बड़ी खिदमत है उन बच्चियों पर। ये इदारा शफ़क़त का हाथ रखता है, उनकी तरबियत करता है, उनको तालीम दिलवाता है और अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी और इस तरह के हुनर उनको सिखाते हैं ताकि मुस्तक़बिल में उनके काम आ सके। देखिए नाज़रीन, ये यहाँ का ट्रेडिशनल, इसको तहशा कहते हैं और इससे शाल वगैरह भी बनाते हैं। देखें ये ट्रेडिशनल है यहाँ का, बल्तिस्तान का पुराना कदीमी। जबरदस्त। यहाँ पर बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाते हैं। देखें जी, इनका किचन है, यहाँ पर बच्चियाँ जो है वो कुकिंग सीखती हैं। ये बच्चियों का आर्ट रूम है, यहाँ मुख्तलिफ कैलीग्राफी वगैरह, स्केप्चरिंग और ये देखिए पेंटिंग वगैरह सीखते हैं। उसकी एसेसरीज यहाँ रखी हुई है आर्ट एंड स्केप्चरिंग की। ये देखें बच्चों ने खुद पेंटिंग बनाई है, अल्लाह मोहम्मद। माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। ये देखें पोस्टर कलर भी रखे हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने एक्रेलिक पोस्टर कलर हैं। स्केच पेंसिल हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की। ये देखें ये 6B की है, 6B की पेंसिल है, ये 8B है, ये शेडिंग के काम आती है पेंसिल स्केच में, ये भी 8B है देखें, और इसी तरह यहाँ 4B भी है। तो माशाल्लाह अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। वो लड़कियाँ जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनके लिए ये सेटअप लगाया गया है। यहाँ पर आर्ट भी सीखती हैं, यहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी सीखती हैं, यहाँ तालीम भी हासिल कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में, मैं कहता हूँ कि घर से भी बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज़ में
यहाँ बच्चियों की तरबियत हो रही है। ठीक ये देखें सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है माशाल्लाह यहाँ, ताकि लाइट की प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसका भी सिस्टम किया हुआ है। देखिए जी ये बच्चियों के रहने का कमरा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और बहुत आरामदेह इनके लिए बिस्तर है यहाँ पर माशाल्लाह। ये इनका कबर्ड, देखें जी ये डिस्प्ले हाउस है यहाँ का, ये यहाँ लिखा है ये लक्षेस बल्ती जबान में है, वैसे बल्ती जबान का लफ्ज है ये देखें। ये यहाँ ये जो बच्चियाँ हैं उन्होंने खुद बनाया अपने हाथों से, देखें ये देखें जी देख रहे ये बच्चे ने खुद ही बनाया है माशाल्लाह। ये देखें ये देखें ये पेंटिंग भी इन्होंने खुद बनाई बच्चियों ने माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह ये देखें जी यहाँ का लोगो है, ये बच्चों ने खुद बुनाया अपने हाथों से। बच्ची ने बनाया है ये जो मूंगी बहरी बच्ची है ना, उन्होंने अपनी डिटेल लिखी हुई कहाँ कहाँ से ताल्लुक है, कौन सी क्लास की हैं, ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा बनाया है ये बहुत खूबसूरत। ये तीसरे फ्लोर पे एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ माह मुबारक रमज़ान में बच्चियाँ इफ्तार करेंगी और या नमाज अदा करेंगी और दर्स वगैरह होगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आज अनवारुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट का दौरा करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस पुरआशोब दौर में भी कुछ नेक अफराद, कुछ आगा अफराद यतीमों के लिए इस तरह से सरगर्म हैं। इस हवाले से क़िबला मौलाना शेख मोहम्मद हुसैन रईसी साहब की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जो ये इदारा चला रहे हैं, और हमें इस इदारे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करना चाहिए क्योंकि बहैसियत मुसलमान भी हमारी ज़िम्मेदारी है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, फिर अपनी पहली वाली और दरमियान वाली उंगली से इशारा फरमाया और उन्हें कुशादा किया, यानी आपने अपनी उंगलियों के ज़रिए दोनों उंगलियों के ज़रिए समझाना चाहा कि यतीम की किफालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से इन दो उंगलियों की तरह नज़दीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फरामीन पैगंबर इस्लाम पर और तालीमात कुरान और अहले बैत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी नए इदारे के साथ, फिर किसी नए मकाम के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आगाज़ अमनी को स्कर्दो बल्तिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।